प्रभु आप जागे जटाओ में नंदेश्वर आपने क्या किया। यहाँ तीन काल संध्या थी, एक केम भोजन था। दशरथ राजा तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर में। ये सर नव जीवन है मेरा, परलोक जा रहा मर कर में। जनता है, मैं इसको अपने दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं था कि 40 साल के बाद अगर हम रामलीला कर रहे हैं तो जो हमारे कलाकार हैं, मुझे नहीं यकीन था कि इतने ज़बरदस्त तरीके से वो जो अपना सीन है वो प्ले करेंगे। तो मैं जो हमारा युवा आगे निकल के आया था, तो मैं कहीं सोच में डूबा हुआ था कि शायद हम कहीं किसी स्टेज पर फेल ना हो जाए, लेकिन आज मुझे फ़ख्र हो गया कि जो हमारी युवा पीढ़ी है ये आने वाले वक्त में ये पूरे जो हमारी मेडल तहसील को संभाल देंगे। तो हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 15-20 दिन के अंदर अंदर ही हमने पूरा स्टेज बनवाया, सब कुछ तैयारियां की। तो जो आने वाले हमारे दिन हैं आगे, कल और परसों, और जो सबसे बड़ा सीन है वो हमारे परसों होंगे। तो जो पीछे आज अगर किसी किस्म की कोई त्रुटि रह गई हो तो वो हमने परसों पूरी करनी है। तो मैं अपने दिल से, अपनी सनातनी की ओर से, मंदिर कमेटी की ओर से, हनुमान मंदिर की कमेटी की ओर से, मैं पूरी मेंढ तहसील के जो सदस्य आए थे मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय श्री राम, जय माता की। सभी नगरवासियों को, सभी देशवासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम राहुल शर्मा, हनुमान मंदिर मेंढर। मैं आप सबको बहुत ही खुशी का संदेश जो है कि आज हमारे मेंढर में, हनुमान मंदिर में जो रामलीला का प्रथम दिवस था, बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कि मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ, मुझे यहाँ पे 5 साल हो गए। 5 साल में इतने फंक्शन होते हैं यहाँ पे इस मंदिर में, दशहरा इत्यादि हर फंक्शन होता है, परंतु 5 सालों में इतनी जनसंख्या मैंने कभी नहीं देखी जितनी आज पहली बार इतनी जनसंख्या मैंने इस मंदिर में देखी। हमने जितनी लोगों की सुविधा के अनुसार जो हमारे चेयर्स वगैरह, जो हमारे मैटिंग वगैरह जो हुई थी, हमें जगह व्यवस्था की कमी आ गई। हमने बाहर जो कि कल के लिए सोचा हुआ कि 50-100 कुर्सी जो है हम एडवांस लगाएंगे, अगर भगवान ने चाहा अगली बार रामलीला हुई तो हम बड़ी ग्राउंड में, जहां पे दशहरा होता है, उस ग्राउंड में जो है उसका प्रबंध करेंगे।